जी दोस्तों, तो दोस्तों आज अपन करेंगे वीडियो शूट। बहुत दिनों बाद में वो लोग बना रहा हूँ और अब कभी कभी वो लोग बनाया करूँगा। तो अपन चलते हैं, पहले रेडी हो जाते हैं, फिर उसके बाद में अपन चलते हैं वीडियो शूट करने के लिए। जितनी देर में अपनी टीम आ जाएगी पूरी, मैं आपको दिखाऊंगा। वो लोग में बने रहिए और वो लोग को लाइक शेयर कर दीजिए, पहले अपन रेडी हो जाते हैं। तो दोस्तों अपन रेडी हो गए हैं, ये देखो। और फिर अब अपन चलते हैं ऑफिस पर। नहीं, पहले अपन करेंगे कैमरा पे, उसके बाद में जाएंगे ऑफिस पर, फिर आएगा लाला। लाला बाद में चलेंगे अपन हाड़ौदा, आज की शूटिंग हाड़ौदा ही है। फिर वहाँ पे टेंट वेंट लगाएंगे, उसके बाद में शूट स्टार्ट करेंगे। तो पहले कैमरा पैक करते हैं। सामान पैक हो चुका है पूरा, अब चलते हैं ऑफिस पर। टाइम हो चुका है लगभग 6:50 हो गई है, मैं 5 बजे उठा था, 2 घंटे हो गए मुझे। तो अब चलते हैं सीधा ऑफिस पर, मिलते हैं ऑफिस के बाद में, सीधा हाड़ौदा मिलेंगे लोकेशन, ठीक है। हेलो पुपा जी, बिल्कुल बिल्कुल, कहाँ पे अपनी टेंट हाउस? तो अभी हम टेंट वाले के पास पहुंच चुके हैं, ये टेंट का सामान पड़ा है यहाँ पे, ये और मैनेजमेंट करवा ले हैं हमारे पुपा जी। आज का पूरा मैनेजमेंट यही कर रहे हैं हमारे पुपा जी। पूरा वो ब्याह है तो भी गाय जी की बच्ची बात ले रहा हूँ ना, तो बहुत ही आनंद कई माता बोली बोली कितने बीघों में तना रहे हैं टेंट वेंट आपने? 17.5 बीघा से जाए पूरी में। हाँ पूरी 17.5 बीघा के मायने टेंट लाग लू, और 85 आदमी बुलाया तो ज्यादा कौन बुलाया। देखो कोरोना को टाइम जब खड़ी जो दबा को भी लटपा जाए कि मा जाऊं। हाँ तो यहाँ थे कि अयर भाई की नाश्ता पानी में भी हिसाब किताब भी देखा ला भैया, खेत खे तो दिया था सबने भाई, जो भी आओ तो रोटी पानी खा रहा जी मा जाऊंगा कौन जगह बात। यहाँ से रात न गए थे कि अल भाई रूस रुपा गाय जी मा जाऊंगा, मैं तो खुद ही बनाया जी। तो यहाँ पे पुपा जी टेंट वेंट तनवा रहे हैं और कोई दिक्कत नहीं है। हाँ पुपा जी बताइए, आप खुद ही काम कर रहे हो? देखो काम न सुधारो,
करना ही पड़ता है। घर का काम करना पड़ता है, इसमें क्या है कि काम को अगर सुधारेंगे तो खुद को ही पधारना पड़ेगा। अब ये टेंट वेंट डाल रहे हैं, अब क्या है कि बत्ती बात लेके आएंगे। डीजे वीजे की व्यवस्था की है क्या आपने? डीजे की व्यवस्था की है क्या आपने? हाँ, डीजे की भी व्यवस्था है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि मतलब डीजे के बिना भी काम चल जाए तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि सौ फीसद ज्यादा मांग रहा है। आप कौन सोते हो? तो हम ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दिए। ये दीपक जी हैं जो कि आवार, ये हेमलता कुमावत। अच्छा तुम कौन सोते हो? यू नो दिस जैकेट कतरारी पैकी? हाँ बताओ। नाइस छपरी अटवाड़े में चलाए थे भैया। आप इन्हें भी भगा सकते हो गधे घोड़े में? गधा घोड़ा हम तो चला पगा लखन कौन चला मैं तो घोड़े लगवा ले आठ घोड़ा तोड़ वाले। अरे यार मेरे को चलानी आती है, वो क्या मैं क्या भी सीख तड़ आदमी हूँ यार, तो जी नहीं तो लेगी यार। आज छोटू काका मारवाड़ी स्टार के बादशाह ओपा के यहाँ भात लेकर जा रहे हैं, क्योंकि फूफा के घर पे आज लड़के की शादी है तो भात तो बनेगा ही। भात लेके रवाना हो चुके हैं, आगे देखो क्या होता है। वीडियो को बरकरार पूरा देखना, शानदार मजा आएगा। यहाँ पे कर रहे हैं डीजे स्टार्ट, अपने ऑपरेटर जो भी हैं ये राम स्वरूप जी का डीजे है। कौन सा है? डीजे गणपति। डीजे गणपति, संपर्क कर सकते हो डीजे चाहिए तो आपको। और अब डीजे बजेगा यहाँ से। क्या हो गया सुरेश जी? डीजे बाजार में बजाओ ना, बाजार में ये बजाने नहीं दे रहे हैं। यहाँ पे डीजे चल रहा है। Thank you.